लेट्स गो, चलो चलते हैं। यस जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नहा के निकली हूँ, बाल मेरे पूरा गीला गीला सा है। एंड उसके बाद ना मैं गई थी सबसे पहले टेलर के पास, जो साड़ी वगैरह मेरे दिया हुआ है वो देखने के लिए कि बना है कि नहीं। एंड फ़ोन किया था, 3-4 बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी मेरा पिक नहीं किया। एंड देन मैं जाके देख रही हूँ कि अभी तक हुआ नहीं, 1 बजे देंगे। सो अभी ना एक पार्सल आया है 592 का। अभी मुझे देखना है कि 592 का अमित का शूज़ है या फिर मेरा कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह आया है। अगर अमित का शू आ जाए तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उनको आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। मैं गई थी पार्सल लेने के लिए, तब तक कियान ने ना ये सारा कुछ अभी निकाल के रख दिया है। इतना ज़्यादा काम बढ़ाता है ना वो, क्या बताऊँ। किचन का सारा काम अभी हो गया है। एंड मैं गई थी टेलर के पास, ये सारा सामान अभी बिखरा हुआ है क्योंकि मैं निकाल रही थी सब कुछ भरने के लिए। हाँ ना, ये एक साड़ी है जो कि टेलर के पास मेरा दिया हुआ था फॉल एंड पिको के लिए। एंड इसका सॉर्ट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, उसमें आँचल वगैरह सब कुछ शेयर किया है साड़ी का, तो ये है। एंड ये एक ब्लाउज है जो कि मुझे फिटिंग करवाना था, ये ऑर्डर किया था मैंने 32B, बट मुझे ये रिसीव हुआ है 38 फ्री साइज, तो काफ़ी ज़्यादा लूज थी, अल्टर करवाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वेस्ट के पास मुझे हल्की सी लूज आ रही है, उसका कुछ नहीं कर सकते, सेफ्टी पिन के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा। बच्चों के थोड़े बहुत से प्रोडक्ट हैं और उनका मेडिसिन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि स्किप नहीं कर सकती। सो चलो दिखाती हूँ मैं आपको क्विकली। ये एक ट्रॉली है और ये एक बड़ा सा बैग है, दोनों बिल्कुल फुल है। क्या हुआ? और इसमें जाएगा सारे फुटवेयर और मेरे कुछ सामान। ये जो कुर्ती मैंने कल आपको दिखाया था ना कल के ब्लॉग में, कि गलती से मुझे डिलीवर हो गया है मीशो की तरफ से, तो मैंने पहन के जस्ट देखा, अमित ने कहा कि अच्छा लग रहा था हमारे ऊपर, बट ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, लेकिन अमित ने कहा कि छोड़ दो इसको, अच्छा लग रहा है रख लो। तो इसको मैं ना अभी जा रही हूँ अल्टर करवाने के लिए थोड़ा सा। थैंक गॉड टेलर मेरे जस्ट घर के पास में ही है, तो मैं आराम से जाके इसको देख के आऊँगी। 10-15 मिनट में वो कर देंगे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी, तो देन आने के बाद फिर लंच वगैरह करना है और जो भी थोड़ी बहुत से पैकिंग है वो सब कुछ करनी है। तो चलो चलते हैं। अभी 3:45 हो रहे हैं, ऑल सेट, ये तीनों रेडी हो गए हैं और पूरा सारा जो भी बैग वगैरह था सब कुछ हो गया है। अभी जस्ट 5 मिनट में मैं रेडी होंगी। स्ट्रगल इसे कहते हैं, रियल स्ट्रगल है ना। हाँ भगवान को पहले प्रणाम कर चुका, कर लिया, वेरी गुड, ओके ऑल सेट, यस। सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एंड लेट्स गो, चलो चलते हैं। यस मोना दीदी की शादी में। मैं भी मोना दीदी बोलती हूँ। हाँ सब कुछ ठीक है, जानलट बंद कर दी। सो चलो चलते हैं एंड गैस का बंद कर सुनेगी। अभी तक मैंने अपने ब्लॉग में रिवील नहीं किया था कि शादी एक्चुअली किसकी हो रही है, तो शादी हो रही है बच्चों की, मोना दीदी और मेरी ननद की बेटी मोना की शादी है। एंड लेट्स गो, आई होप कि हम लोग बहुत इंजॉय करें और सब कुछ बहुत अच्छे से बस हो जाए। ऑलरेडी तुम लोग बैठ गए हो? अभी मत सो, चलो चलते हैं। हमारी ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी है क्योंकि यहीं से ट्रेन घूमती है। एंड दोनों बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं।
नौ बारो स्टार्ट हो गई। सो गाइज जर्नी स्टार्ट हो गई थी और 5 बजे का टाइम था, एग्जैक्ट 5 बजे ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी एंड हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल होके बैठ गए थे ट्रेन में। कियान को ना आज दोपहर को मैंने सुलाया नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेन ना एक आध घंटा तो लेट होता ही है तो काफ़ी परेशान करने वाला है वो रास्ते में, तो उसको मैं बाद में सुलाऊंगी। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई आधा घंटा बाद मैंने उसको सुलाना स्टार्ट किया और वो काफ़ी थका हुआ था तो बहुत ही आराम से सो गया वो। एंड हमारे पास में ना जो फैमिली बैठी हुई थी वो बिहार जाने वाली थी तो उनके साथ बातें करते करते हम लोग हमारी ट्रेन जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए रास्ते से ही थोड़े बहुत से नाश्ता हमने पैक कर लिया था, घर में कुछ भी बनाने का टाइम नहीं मिला। आपने देखा कि काफ़ी हड़बड़ी में पैकिंग हमारी हुई, पैकिंग का पूरा व्लॉग मैंने बनाया था लेकिन शादी की व्लॉग की वजह से ना मेरे फ़ोन में स्पेस फुल हो गया था जिस वजह से पैकिंग का व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई, वो सारे क्लिप्स मुझे डिलीट करने पड़े, तो सिर्फ शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर किया था। एंड रात के 2 बजे तक हमने पैकिंग किया था, सोते सोते 3 बज गए थे, फिर भी हमारी पूरी पैकिंग हुई नहीं थी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है एक रात में इतने सारे सामान पैक करना जब आपको शादी में जाना है, स्पेशली विंटर में जाना है। तो काफ़ी सारे सामान थे जो कि आज हमने पैक किया और निकलते निकलते बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी, काफ़ी सारे काम ख़त्म करके हम लोग निकल पाए हैं। एंड मैं सोच रही थी ना यहाँ से मेहंदी लगवा के जाऊँगी बट आप यकीन नहीं करोगे नेल पेंट लगाने तक का भी मुझे टाइम नहीं मिला। एंड इस ट्रेन में ना एक पानी की बॉटल तक भी अवेलेबल नहीं थी, थैंक गॉड हमने बाहर से खाना ले लिया था। फॉर अ सेफ साइड हमने लिया था मंचूरियन और नूडल्स क्योंकि ये दोनों बच्चों का फेवरेट है, बिना किसी नखरे के बहुत ही आराम से खा लेते हैं। 7-8 घंटा दोनों बच्चों को एक साथ इंगेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, स्पेशली जब भी उनके साथ ट्रेन जर्नी करती हूँ ना तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनके पास इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं ना कि हमारे पास आंसर ख़त्म हो जाते हैं बट क्वेश्चन की कोई कमी नहीं रहती, उनके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ट्रेन में बैठने के 2-3 घंटा बाद ना ये पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है और उनके पास बस एक ही क्वेश्चन बचता है कि हम लोग कब पहुँचेंगे, इतने टाइम से बैठे हुए हैं कब पहुँचेंगे, बताओ कब पहुँचेंगे। दोनों बच्चों को आप देख रहे हो कि जब से ट्रेन में बैठे हैं ना कभी यहाँ बैठ रहे हैं कभी वहाँ बैठ रहे हैं कभी ऊपर जाके सीट में बैठ रहे हैं क्योंकि अब 2-3 घंटा बाद ना वो लोग बोर हो गए हैं ट्रेन में बैठ के और ये जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है दोनों को एक साथ हैंडल करना। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना थोड़ा सा ईशान को सुलाने का ट्राई करूं क्योंकि अगर एक सो जाएगा ना तो दूसरा अपने आप ही थोड़ा सा शांत हो जाएगा। वैसे तो किया ना भी सो के उठा था, उसको भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। हमारी ट्रेन अभी 1 से 1.5 घंटा डिले चल रही थी तो नीचे वाली सीट में मैं ईशान को सुला रही थी और ऊपर वाली सीट पे कियान खेल रहा था अपने डैडी के साथ। वो जितना भी सुबह से थका हुआ था ना थोड़ा सा सो के वापस से उसकी पूरी एनर्जी गेन कर चुका था वो। लेकिन थोड़ी देर बाद भी सबका डिनर वगैरह हो गया था तो ट्रेन के भी लाइट्स वगैरह ऑफ हो गए थे तो मैं और ईशान एक सीट शेयर कर रहे थे और अमित और कियान एक सीट पे थे तो सीट पे ही वो खेल रहा था लेटे लेटे। और यहाँ पे ईशान को सुलाने के बाद मैंने अपने पैरों के नेल पेंट्स को रिमूव किया। सो हे एवरीवन अभी बज रहे हैं रात के कितने हैं 10:30 बज रहे रात के, तो ये हमारा थोड़ा सा लेट है एंड हम लोग जस्ट अभी अभी एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे रांची और इतनी ज़्यादा मतलब छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ना छोटे छोटे जो स्टॉपेज होते हैं ना वहाँ पे भी ट्रेन रुक रही है, किसान वहाँ पे बहुत ही आराम से सो रहा है जिसकी टक्कर हमारा नहीं है। हमारा उधर का नीचे वाला 2 सीट है लेकिन हमने एक सीट हमने लिया है और क्योंकि इंसान सो रहा था तो एक सीट हमने उनको दे दिया, उनका सीट वहाँ पे वो मिडिल वाला है तो इसलिए हम तीनों भी इसमें एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। थैंक यू पावा गलो सही बहुत ना। आ गया है हमारा समोसा और यहाँ पे देखो क्या अभी लाइन देख रहा है। हाँ ठीक है सो गाइस फाइनली इट्स 11:45 और हम लोग मे भी 12 या फिर 12:05 बजे तक तो उतर ही जाएंगे। सो चलो कियान बहुत मुश्किलों के साथ सोया है यहाँ पे एंड स्टेशन पे हमारी गाड़ी भी आ गई है, बच्चों के दादू बच्चों के मासी मेशो सब वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारे एंड फाइनली हम लोग दोबारा स्टेशन पहुँचने वाले हैं। और घर से भी बहुत बार कॉल आ चुकी है मेरी मदर इन लॉ की, निशु मेरी मम्मी सब
सबके बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं कहाँ तक पहुँचे, मेरे भाई ने भी फ़ोन किया था। चलो और तो वो लोग यहाँ पे नहीं है, निशु है, मेरी मदर इन लॉ है, तो निशु से तो कल सुबह ही मिलना होगा। चलो बाकी हमने सामान वैसे कुछ भी नहीं निकाला था, जस्ट एक ब्लैंकेट निकाला था वो बैग के अंदर डाल लिया और कुछ चार्जर और हेडफोन्स वगैरह थे। बैग्स वगैरह लेके हम लोग आ गए हैं डोर की तरफ और ट्रेन थोड़ी सी लेट चल रही थी, थोड़ी सी नहीं डेढ़ दो घंटा करीब करीब, तो हम थोड़ा सा सो भी गए थे। इस टाइम पे ईशान के चेहरे पे जो खुशी थी ना वो प्राइसलेस थी, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने दोस्तों के साथ मिलने वाला था वो सुबह सुबह, एंड वो भी सो गया था तो उसको मैंने उठाया और कियान भी उठ गया था। तो जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे तो यहाँ पे दादू के साथ दोनों बच्चे आगे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे पीछे बातें करते करते आ रहे थे। रिया, मिंटू और मेरे फादर इन लॉ ऑलवेज हमें वेलकम या फिर सी ऑफ करने के लिए हमेशा ही आते हैं, बट इस बार मैंने रिया और मिंटू को मना कर दिया था क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बट स्टिल वो लोग आए थे, कुकी को लेकर नहीं आए थे क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने बैग्स वगैरह गाड़ी में रखा, उसके बाद हम लोग गए चाय पीने के लिए, एंड मुझे पता था कि घर में मेरी मदर इन लॉ अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है दोनों बच्चों से मिलने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए, एंड ऐसा ही था। जैसे ही गाड़ी का आवाज़ उन्हें मिला घर से दौड़ के वो बाहर निकली, बच्चे भी इधर उधर घूम के देख रहे थे क्योंकि पेंट हुआ था घर में तो उन्हें कुछ नया नया लग रहा था, अपने दीदू से पूछ रहा था कि घर में कुछ तो अलग लग रहा है अभी हमें, एंड फिर मैं और मेरी सासू माँ रात तक हम लोग बातें कर रहे थे लेटे लेटे। तो चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया है, पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर हिट करना, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।